मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंड्रेल स्किन केयर। आई होप कि आप सब गाइज एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में एकदम बिंदास होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो है कोरियन लाइक कोरियन। आपको पता है मैं स्किन केयर की कितनी बड़ी फैन हूँ, ऐसी थोड़ी ना स्किन इतनी ज्यादा शाइन कर रही है। तो गाइज क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं और हमारी स्किन भी बहुत ही ज्यादा मुरझाई हुई होती है। हमारी स्किन भी हमारी बॉडी की तरह बहुत ज्यादा थकी थकी सी होती है, मुरझाई होती है, बहुत ज्यादा मतलब कहते ना ग्लो नहीं रहता, स्किन बिल्कुल ही डिहाइड्रेट सी हो जाती है। तो आज एकदम क्विक फटाफट से जिसे हम 2 मिनट में बनाएंगे और 2 मिनट में ही अप्लाई करेंगे, मतलब अपनी स्किन को अच्छा सा ग्लो करेंगे, अपनी स्किन को प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्किन को बहुत अच्छा सा बनाएंगे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। तो कोरियंस, जैपनीज और चाइनीज जितनी भी लड़कियां होती हैं आप लोगों को पता है वो सब सबसे ज्यादा यूज करती है राइस। मैंने इतना सारा पूरा बॉक्स बना के रखा था, आपको पता है मैंने कितनी सारी वीडियोस राइस के साथ में शेयर करी है। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ अच्छा सा स्किन केयर नहीं करा, तो सोचा वीडियो रिकॉर्ड करी हूं तो आप लोगों के साथ भी अपनी फेवरेट वाली रेमेडी जो बहुत ईजिली बन जाती है और बहुत सिंपल स्टेप्स है, फटाफट से उस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है और फटाफट इस वीडियो को आप लोग भी देखते जाना और शेयर भी करते जाना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि रेमेडी बहुत अमेजिंग है। वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को और आप बस स्किप ही करते रह जाओगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सिंपल स्टेप है बट रेमेडी को अप्लाई करने का तरीका बहुत यूनिक सा है और बहुत अलग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना फेस वॉश नहीं करूंगी कि मैं अपना फेस वॉश करके आई थी, सिर्फ मैंने लिप टिंट अप्लाई कर रखा है, बस अपने बालों को ऊपर कवर करूंगी। ये एक्साइटिंग नहीं होता। ओके, फटाफट से एक बॉल लेंगे हम, ये रेमेडी बहुत जल्दी से बनाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और इसीलिए एक काम में से ढंग से नहीं होता। 1 चम्मच भर के हम चावल काटे लेंगे, थोड़ा सा लूंगी और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चावल काटा यानी कि राइस पाउडर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सेकंड इंग्रेडिएंट्स, हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन वाले इसको ऐसे ही लगाएंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिए, बाद में कंप्लेन मत करना। ऑयली स्किन वाले जो है वो इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे और ड्राई स्किन वाले इसमें ऐड करेंगे दही, सॉरी इसमें ऐड करेंगे हनी को, ठीक है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स 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 करेंगे और इसको बिल्कुल अपने पड़ोसियों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह, जैसे हम उनको धोते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमको मिक्स करना है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके का देखिए आप बन चुका है राइस, हमारा फेस पैक, स्क्रब, सब कुछ, हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट। इसको हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थिक है, 1 मिनट, मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा थिक है, तो मैंने इसमें ना अराउंड 1 टेबलस्पून जो है वो रोज वाटर का ऐड किया, ताकि ये थोड़ा सा, हमने इससे स्क्रब भी करना है तो हमारे स्किन पर सॉफ्टली चले हाथ हमारे। ये मैं आपको बताती चलूं कि ये वाला जो फेस पैक है ये इतना ज्यादा अमेजिंग है, ये हमारी डेड स्किन सेल्स, स्किन की जितनी भी डेड स्किन सेल्स होती है उनको रिमूव कर देता है। तो हम इसको ऑल ओवर अपने पूरे फेस पर अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। जब भी स्क्रब करें तो एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, कि बिल्कुल ही हल्के हाथों के साथ में स्क्रब करना है। ये चावल का आटा है, ये घर का है, ये मार्केट का नहीं है, मैंने खुद से घर पर बनाया है। चावलों को लेकर उनको पीस कर और अच्छी तरीके से छान कर, पर फिर भी इसमें थोड़े बहुत ना हल्के हल्के कैनवर्ड्स होते हैं तो हमारी स्किन को ज़्यादा टाइटली अगर हम स्क्रब करेंगे तो वो हार्श पहुँचा सकते हैं, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से। ये मैंने स्पीड इसकी बढ़ा रखी है तो आप लोग को फास्ट मोशन में दिखाई देगा। बाकी स्क्रब के और इस फेस पैक के जो है वो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है, जैसे हमारी जितनी भी डेड स्किन होती है वो रिमूव कर देता है, जितना भी बोलते हैं ना टैनिंग वगैरह होती है, हमारी स्किन टायर्ड रहती है, हमारी स्किन पर ब्लैक हेड वाइट हेड रहते हैं, मतलब एक जो एक स्क्रब और एक फेस मास्क मतलब आपको कहते हैं ना ब्लीच का इफेक्ट देता है, स्किन को वाइटनिंग सा इफेक्ट देता है, स्किन शाइन करती है, स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, मतलब एक फेस पैक से
इतना अमेजिंग सा रिजल्ट, और ये रियल में इतना अच्छा सा वर्क करता है, ऐसी बात नहीं है कि ये वर्क नहीं करता। जब आप इसको वन टाइम यूज करोगे चावल को घर में पीसना, आपको घर में ही चावल मिल जाएंगे। पीसने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसको छानना है, एक चम्मच दही मिक्स करना है और अप्लाई करना है, बस इतना सा आपका काम है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितनी ज्यादा शाइन आ रखी है और चीक्स कितने ज्यादा ग्लो करते हैं। तो रियल में जब मेरी स्किन बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है, जब मेरी स्किन पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता और मुझे लगता है कि बस स्किन बहुत ज्यादा बुझी सी है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पार्लर में जाके फेशियल करवाते हैं। तो फेशियल की जगह आप वन टाइम इसको यूज करोगे हफ्ते में दो दिन, तो आप देखोगे कि आपको किसी भी फेशियल की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महंगे से महंगा फेशियल इस रेमेडी के सामने फेल है। रियल में ये रेमेडी स्किन को आपका इतना बाउंसी बना देती है, इतना डीपली क्लीन कर देती है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, टैनिंग, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ रिमूव हो जाती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा प्यार अपना दे देना और ये वाली रेमेडी ज़रूर से ट्राई करना। ये वाली रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग अपने रिव्यूज़ मेरे साथ में शेयर करना अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे आते हैं, तो उसके लाइव जो है वो रिजल्ट के जो कमेंट है वो आकर मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो जो लोग भी अप्लाई करेंगे उन लोग को भी पता चलेगा कि हाँ रियल में जो है रेमेडी वाकई में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और ऐसा ही अपना प्यार देते रहना और होम रेमेडीज़ को ट्राई करते रहना। ये कोरियंस की बेस्ट होम रेमेडी है और ये बहुत अमेजिंग वर्क करती है।